नाम है आपका? योगेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष जिला डीलर पेट्रोलियम एसोसिएशन। अध्यक्ष जी, क्या मामला है और किस लिए सारे पेट्रोल पंप मालिक जिले के हड़ताल पे चले गए? देखिए, आए दिन विगत कई महीनों से लगातार पेट्रोल पंपों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं, बड़ी घटनाएं, आप रामगंज में ले लीजिए, रानीगंज में ले लीजिए, सभी पेट्रोल पंपों पर लूट होती है। आज उसके कर्मचारी बिल्कुल डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, बैंक में कैश ले जाने के लिए डरे रहते हैं। और आज एक तत्कालीन घटना कस्बे के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाके में गौरीगंज बाजार के अंतर्गत लोधी बाबा के पास रोहन ऑटोमोबाइल्स के प्रबंधक पारसनाथ जी कैश लेकर के आ रहे थे। जिस तरीके से उनको गोली मार करके पैसा छीना गया, हालांकि उन्होंने साहस भी दिखाया, इसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद है, उन लोगों ने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। हम सभी गौरीगंज कस्बे के, आज तो अभी केवल गौरीगंज कस्बे के जो हमारे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के साथी हैं, पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, रंजन पांडे जी हैं, राजकुमार जी हैं, सारे 6-7 जो पंप के साथी हैं, सब लोगों ने आज पंप पे बिक्री बंद कर दी इस घटना को देखते हुए। और अभी कप्तान महोदय से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए जो आए दिन जो भी घटनाएं इस तरह से अंजाम दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक ज्ञापन भी दिया है, अल्टीमेटम भी दिया है, और अभी आज कप्तान साहब ने अनुरोध किया है तो हम लोग बिक्री चालू रखेंगे। लेकिन 1-2 दिन का ही समय है, अगर 1-2 दिन में अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं या इस घटना का खुलासा नहीं होता है तो हम लोग पूरे जनपद में। आप बताइए, क्या नाम है आपका? पारसनाथ वर्मा। किस तरह की घटना हुई और कैसे क्या हुआ? सर, हम पंप से निकले स्टेट बैंक के लिए, लोधी बाबा नाला के पास पहुँचे, 3 अपाचे से आदमी पहुँचे, ओवरटेक किए, ओवरटेक करने के बाद चाबी निकाल ली, चाबी निकालने के बाद पैसा छीनने लगे तो मारपीट हुई और इधर उधर आदमी आके खड़े भी हो गए, फिर भी कोई सुना नहीं। कितना पैसा कम से छीन के ले गए? 429,600 रुपये। सुबह लगभग 10:15 बजे के आसपास थाना क्षेत्र गौरीगंज में एक लोग की सूचना मिली है, इसमें पेट्रोल पंप मैनेजर से जो कि अपना कैश जमा करने के लिए बैंक जाते हैं सुबह, उनके साथ लूट की घटना हुई है और उसी के दौरान बदमाशों के द्वारा फायरिंग भी की गई। 2 लोग इसमें बाइक सवार थे जो अपना पैसा पेट्रोल पंप से लेके जा रहे थे और जो लूट की घटना कारित करने वाले लोग हैं वो एक अपाचे से 3 लड़के थे जिनके द्वारा घटना की गई। होलिये के आधार पर इनके आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया जा रहा है और इनके जो भी रूट वहाँ से हो सकते हैं निकलने के उनको भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। बॉर्डर के जो जनपद हैं रायबरेली और प्रतापगढ़, दोनों से संपर्क करके दोनों जगह पे कॉम्बिंग कराई जा रही है कि इस तरह के होलिया के लड़के इस तरह की बाइक पे अगर मिलते हैं तो उनको रोका जाए और सूचित किया जाए। अभी तहरीर प्राप्त होगी, तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा और जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कितने रुपये? लगभग 4,30,000 के आसपास का अमाउंट है जो बैग में था और जिसको लूटा गया।